नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप WhatsApp यूजर हैं, WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स होते हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए। तो कौन से मिस्टेक्स है जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के समय में अपने काम को आसान बनाने के लिए कई सारे एप्लीकेशंस आपके स्मार्टफोन में होते हैं और काफ़ी लोग इंस्टॉल करके रखते हैं, जिनमें WhatsApp भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके फ़ोन में WhatsApp नहीं होगा। तो कुछ मिस्टेक्स होते हैं WhatsApp में जिनको आपको नहीं करना चाहिए। तो नंबर वन, जैसे ऑटो डाउनलोड ऑप्शन को ऑन रखना। अगर ये फीचर WhatsApp में ऑन होता है तो कोई भी आपके पास फोटो और वीडियोज को भेजता है, अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो ऑटोमेटिक वो डाउनलोड हो जाता है, जिससे आपका स्टोरेज भी फुल हो सकता है और आपका इंटरनेट भी ख़त्म हो सकता है। तो इस फीचर को ऑफ रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका इंटरनेट भी जल्दी ख़त्म नहीं होगा और जो आपको काम की चीज़ लगेगा उसी को आप डाउनलोड करके देख पाएंगे, और इसे आपको गैलरी में भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप मैनुअली डाउनलोड करके आप तुरंत आप देख सकते हैं। नंबर टू, बिना सोचे समझे किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करना। तो जैसा कि WhatsApp में कई तरह के यहाँ पर मैसेज आते रहते हैं, बहुत गलत मैसेज भी आते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन भी होता है जिसको हम बिना सोचे समझे बिना जांच पड़ताल इस मैसेज को हम किसी और में फॉरवर्ड कर देते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। पहले उस मैसेज को आपको जांच करना चाहिए सही है या गलत है, उसके बाद ही उस मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहिए। नंबर तीन है, प्रोफाइल में जरूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना। अगर आप अपने प्रोफाइल में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सारा चीज़ आप देते हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। कुछ जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है उसी को आपको WhatsApp में देना चाहिए। नंबर फोर, WhatsApp अकाउंट सिक्योरिटी को अनदेखा करना। WhatsApp में अकाउंट सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे सेटिंग्स दिए जाते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट लॉक हो गया, टू स्टेप वेरिफिकेशन हो गया, ये जो सिक्योरिटी फीचर्स है इसको आपको अनदेखा नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है। इन सारे फीचर को आपको इस्तेमाल करना है पूरे अच्छे तरीके से। उसके बाद है नंबर फाइव, WhatsApp में हर किसी को एक्सेस देना। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो जैसे कि आप जानते हैं कई सारे ग्रुप्स होते हैं जो आपको कई सारे ग्रुप में आपके नंबर को ऐड कर देते हैं आपके बिना परमिशन के। तो एक तरह से आप कहें तो आप एक्सेस दे रहे हैं किसी को भी दे रहे हैं। आप उस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं जो एवरीवन पर सिलेक्ट होगा ग्रुप में ऐड करने वाला, उसको आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप सिलेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि कोई भी ग्रुप में ऐड करेगा तो आपके जो कॉन्टैक्ट में है वही आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है। लेकिन अगर आपका एवरीवन में सिलेक्ट होगा, कोई भी आपके नंबर बिना आपके परमिशन के ऐड कर सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये कुछ आपको छोटे छोटे मिस्टेक्स है जिनको आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।